मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए धूमधाम से तैयारियां की जा रही है। पूरे सप्ताह भर इसके लिए कार्यक्रम और समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 26 अप्रैल यानी बुधवार को राजधानी दिल्ली में मन की बात की 100वें एपिसोड होने पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस समारोह में कई हस्तियां भी शामिल हुई। हर महीने के आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम का प्रसारण रेडियो पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए जबरदस्त तैयारियां की जाती हैं। महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों पर मन की बात का कार्यक्रम प्रसारण होता है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों के साथ प्रसारित करता है, जिससे देश के हर नागरिक तक उनकी बातें सरलता के साथ पहुँच सकें। आपको जानकर हैरानी होगी कि मन की बात फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशिया, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली जैसी 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिन लोगों का जिक्र किया है, वे सभी रविवार को राज्य के राजभवन में मौजूद रहेंगे और वहाँ इस कार्यक्रम को सुनेंगे। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 अक्टूबर 2014 से पीएम के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मन की बात न केवल विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री के विचारों को बताती है, बल्कि नागरिकों को भी आश्वासन देती है कि उनके विचारों को सुना और सुनाया जा रहा है। जहां कोई विचार बड़ा या छोटा नहीं है, सभी विचारों को समान महत्व दिया जाता है। जनवरी 2015 में अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनके साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारत की जनता के प्रश्नों के उत्तर दिए। जुलाई 2021 में राज्यसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री के बयान के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ बातचीत करना है। यह कार्यक्रम भारत का पहला नेत्रहीन समृद्ध रेडियो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में बंगाल के समृद्ध इतिहास का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री के मन की बात में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को दिखाते हुए 4 सत्रों का आयोजन किया गया है। इसमें एक सत्र है नारी शक्ति, दूसरा सत्र है विरासत का उत्थान, तीसरा सत्र है जनसंवाद से आत्मनिर्भरता और चौथा सत्र है आह्वान से आंदोलन पर होगा। दोस्तों, इस रविवार मन की बात देखना ना भूलें। जज्बा में आज यहीं तक। कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ।